नमस्कार, आशा मेहता की रसोई में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके साथ बिल्कुल नई रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, तो आइए देखिए उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन भी जरूर दबाइए। तो आज मैं आपके साथ मसाला लच्छा परांठा विद बटर और हनी के साथ शेयर करने जा रही हूँ, जो कि आपने कभी नहीं खाया होगा। कहते हैं वैसे घी के साथ बटर नहीं खा, घी के साथ शहद नहीं खाना चाहिए, लेकिन बटर के साथ आप खा सकते हैं। और हमारे घर तो ये सदियों से चलता आ रहा है कि हम इसको खाते हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। और सर्दियों में हनी तो वैसे जैसे बच्चों को ठंड लग जाए या कुछ भी हो तो आप बच्चों को देते ही हैं, इसके बहुत फ़ायदे हैं। और उसके लिए मसाले परांठा बनाने के लिए मैंने ये आटा लिया 1 कप के करीब, और मैंने मसाले के लिए ये नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट, ये थोड़ा सा जीरा पाउडर लिया है, ये गरम मसाला है, ये लाल मिर्च, ये मैंने अजवाइन ली है थोड़ी, और ये मैंने सूखा पुदीना लिया है। तो आटा गूंथने के लिए मैं इसमें 1 चम्मच के करीब घी डालूँगी, ये देखिए, और इसको हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए सॉफ्ट सा आटा लगा लेंगे। मसाला बनाने के लिए हम 2 से 3 चम्मच घी लेंगे, और इसमें हम अजवाइन मिलाएंगे 1/2 चम्मच के करीब। देखिए आटे को गूंथे हुए 10 मिनट हो चुके हैं और ये हमारा अच्छा सेट हो चुका है। हम इसको एक बार फिर से मसल लेंगे। ये देखिए हम नॉर्मल आटे की लोई तोड़ेंगे, उससे थोड़ा सा बड़ा लेंगे आप, जैसे हम आम सिंपल फुल्का बनाते हैं उससे थोड़ा सा बड़ा लीजिए। और इसको आप रोलिंग बोर्ड पे थोड़ा सा सूखा आटा लगाकर इसको अच्छी तरह से बेलिए। और अब हम इसमें ये जो हमने मसाला बना के रखा हुआ है इसको हम अच्छी तरह से इस पे कोट करेंगे। थोड़ा सा सूखा आटा छिड़क देंगे। ऐसे मैं आपको एक और बना के दिखाती हूँ। देखिए हम एक साइड से सिक चुका है ये, और अब हम इसको पलट लेंगे। गैस की लो को आप मीडियम रखिए और हम इस पर हल्का सा घी लगाएंगे। मैंने इसको पलट लिया है और ये देखिए मैं इस पे घी लगाऊंगी। ये हमारा पक चुका है और मैं इसको प्लेट में निकाल लूंगी और मैं आपको एक और बना के दिखाती हूँ। ये देखिए हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए कितना सुंदर परांठा बना है, ये देखिए। अब मैं आपको एक और इस
इसमें थोड़ा सा मीठा टेस्ट भी आएगा, क्योंकि हम इसमें थोड़ा सा शहद यूज़ करेंगे, वो मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने इसको अच्छी तरह से कोट कर लिया, और इसमें हम थोड़ा सा शहद लगाएंगे। ये देखिए आप बिल्कुल थोड़ा सा शहद इस पे कोट कर दीजिए। ये देखिए इसको हम गरम तवे पे डालेंगे, और जैसे मैंने पहले बनाया वैसे ही हम इस पे थोड़ा सा घी लगाकर बनाएंगे। कुकिंग प्रोसेस सेम है, और अब मैं आपको इनको बनाकर सर्व करके दिखा देती हूँ। तो देखिए हमारा मसाला लच्छा परांठा विद हनी एंड बटर बिल्कुल तैयार है। आप इसे ज़रूर बनाइए और बच्चों को खिलाइए। बच्चों को किसी भी रूप में किसी भी उसमें शहद ज़रूर खिलाइए, क्योंकि ये सर्दियों में बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो देखिए कितने सुंदर लच्छेदार परांठे बने हैं। देखिए एक एक लच्छा अलग अलग करके दिख रहा है, ये देखिए। और ये आप इस पर थोड़ा सा बटर रखिए, और आप इस पर थोड़ा सा शहद डालिए। और आप परांठे के साथ खाइए, देखिए आपको क्या बहुत अच्छा लगेगा और बहुत टेस्टी लगेगा। और साथ में आप चाय का एंजॉय लीजिए, मैंने साथ में अचार भी रखा है आम का। आप जिस चीज़ के साथ भी, आप चटनी के साथ भी खा सकते हैं, और शहद और मक्खन का तो बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो आप इसे ज़रूर बनाइए और खाइए।